नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 9 में पढ़ने वाली रेणुका मिश्रा ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे हाथ से दिव्यांग व्यक्ति भी अपने पैरों की मदद से लैपटॉप कंप्यूटर चला सकता है। रेणुका की इस उपलब्धि पर देश के प्रधानमंत्री ने उससे परीक्षा में चर्चा के दौरान बातचीत की। देखिए हमारी ये खास। हाथ से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रेणुका ने बनाया पैरों से चलने वाला माउस। रीवा की केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं की छात्रा रेणुका मिश्रा ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसे हाथ से दिव्यांग व्यक्ति पैर से कंप्यूटर चला सकेगा। उसकी इस उपलब्धि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान उससे बातचीत की। रेणुका मिश्रा ने दिव्यांगजनों की समस्या को देखते हुए इस डिवाइस का निर्माण किया जिससे हाथ से दिव्यांग लोग भी कंप्यूटर चला सके। रेणुका ने अपने इस डिवाइस का नाम एकलव रखा है। महाभारत काल में भील बालक एकलव से प्रेरणा लेकर आचार्य द्रोण को शिक्षा देते हुए देखकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उससे अंगूठा मांग लिया था, जिसके बाद भी एकलव की एकाग्रता ने उसे अर्जुन के बाद विश्व का सबसे धनुर्धर बना दिया था। उसी एकलव को दिमाग में रखते हुए रीवा की केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा रेणुका मिश्रा ने एकलव नाम से एक डिवाइस तैयार किया जिसे हाथ से दिव्यांग व्यक्ति कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करने में उपयोग कर सके। रेणुका की उपलब्धि को लेकर हमने अनुष्का मिश्रा, साथी छात्रा रेणुका मिश्रा और चंद किरण गुप्ता शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से बात की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। हमेशा से ही वो बहुत अच्छी है पढ़ने में, और जो उसका डिवाइस था, मतलब उसने मुझे सबसे पहले आइडिया बताया और उसने कहा कि ये मैं करना चाहती हूँ। उसने ATL के लिए किया और उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया, पर उसका डिवाइस इतना अच्छा था कि वो सिलेक्ट हुआ और आज वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ी होकर के वो अपने डिवाइस का जितने अच्छे तरीके से समझा रही थी कि हमने उससे प्रेरणा ली कि अगली बार हम भी वहाँ जा करके खड़े हो पाएँ। उसने अपना डिवाइस समझाया, सबसे पहले उन्होंने उसका नाम पूछा और अब उस डिवाइस कैसे काम कर रहा है, उसने क्या क्या यूज़ किया, क्या क्या टेक्नोलॉजी उसने यूज़ किया और क्या उसमें नया उसने इनोवेट किया, उन्होंने बात और उस और PM ने उसको कहा कि इसको और उन्होंने सुझाव दिए कि इसको और किसी बेहतर बना पाए। तो रेणुका हमेशा से ही ना हमारे साथ हमेशा कि तुम भी कर सकते हो, तुम भी करोगे, तो हमेशा से वो हमें सपोर्ट करती आई है कि नहीं, अगर मैं कर रही हूँ तो तुम भी करोगे। और जाते वक्त भी उसने ये कहा कि अगर मैं जा रही हूँ तो अगली बार तुम भी चलना, तुम भी कर पाओगे, तो हमेशा सपोर्ट है। और उसकी हॉबी ना हमेशा से उसको हारमोनियम बजाना और म्यूजिक में उसकी काफ़ी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में और सिंगिंग में उसकी काफ़ी। अनुष्का मिश्रा, बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ क्योंकि पिछले साल भी हमारे विद्यालय का हर्ष वाजपेयी गया था अपना प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करने के लिए और इस बार रेणुका गई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे विद्यालय से बच्चे ऐसे ही आगे निकले और आगे करते जाए, और इसका श्रेय मैं देना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को, जिनके द्वारा नीति आयोग में अटल लैब खोली गई जिससे बच्चे अपने जो प्रदर्शन है, जो उनकी कला है, जो उनके अंदर उत्तेजना, मतलब जिसे कहना चाहिए टैलेंट जो अंदर रखा हुआ है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं तो होगा कि नहीं होगा, वो ATL में जो उपकरण है उनकी मदद से उसको बना रहे हैं और बता रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।